खबर देखने से पहले इस चैनल को यहाँ क्लिक कर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर सभी खबरें सबसे पहले पाएं। सामाजिक महिला संस्थेच्या वतीने आणि युवा आधार फाउंडेशनच्या वतीने आज या ठिकाणी जागतिक महिला दिनाचं आयोजन केलेलं आहे। त्या जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने मी त्याला खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि महिला दिनाच्या वतीने या संस्थेकडून कर्तृत्ववान महिलांचा सत्कार करण्यात आला, त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात आला। किंवापाशी देखती आहे फील्डमध्ये अच्छे काम करणे वाले महिला उत्तर सत्कार यहाँ आयोजित किया गया। उन्होंने जो भी सफलता पाई है वो सफलता का सत्कार था और उसी माध्यम से उसको एनकरेज करने का प्रयास इस संस्था की तरफ से हुआ है। अच्छी इस शुभ अवसर पर सक्षम महिला सामाजिक संस्था जो हमारे बहनें हैं इन्होंने और युवा आधार फाउंडेशन ने जो समाज में अलग अलग क्षेत्र में जो महिलाएं काम कर रही है उनका कभी शासन की ओर से या समाज की ओर से सत्कार और उनके काम को सराहा नहीं जाता। वो सब विविध क्षेत्र में जो महिलाएं काम कर रही है उनका जो पत्रकार है समाज के लिए काम करती है, जो खिलाड़ू है, जो प्लेयर्स है, जो हमारे मैडम जैसे जो सामाजिक काम कर रहे सालों से काम कर रहे हैं वो उपेक्षित है। उनका ऐसे जो हमारे शिक्षक है शिक्षकों के लिए जीवन भर काम करते हैं लेकिन गवर्नमेंट की ओर से जिनको जिनका सत्कार नहीं होता है जो उपेक्षित है उनका सभी बहनों का आज ये सक्षम महिला सामाजिक संस्था ने और युवा फाउंडेशन ने जो सत्कार किया है उसकी वजह से सभी को पता चलेगा और बाकी महिलाओं को भी अच्छा काम करने के लिए एक उदाहरण है और प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए ये जो हमारे जो ये अध्यक्ष मैडम है संध्या पुंडीर, उसके बाद में उपाध्यक्ष चेतना जेठवा, जयश्री मैडम और जो हमारे सबसे पहले जो हमारे विक्रम जी है जो ये SCN न्यूज चलाते हैं, इन्होंने ये प्रोग्राम में बहुत अच्छा काम किया। मैं तो बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को जब भी मिला मौका उन्होंने काम किया ऐसा कि सबको दिया चौका। मतलब उन्होंने जब भी उन्हें मौका दिया जाता है तो वो प्रूव करती है, चाहे फील्ड कोई भी हो उनका डिवोशन उनका डेडिकेशन 100% रहता है। इसलिए वो जिस भी फील्ड में हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सामाजिक सेवा हो, चाहे मेडिकल प्रोफेशन हो, जिस फील्ड में भी उन्हें मौका दिया जाता है वो बेस्ट करती हैं। तो मैं मानती हूँ कि महिलाएं एक नाजुक पौधे की तरह होती हैं क्योंकि वो कोमल और कमज़ोर है बाय नेचर, लेकिन जब भी उन्हें मौका दिया जाता है तो वो अपने आप को प्रूव करने में कोई कमी नहीं छोड़ती।